पीछे जाएगा उसके बाद ही उठेगा। चल। So, आज मैं निकल रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट आप लोगों ने देखा होगा, मैं जहाँ पर अपना ऑफ रोडिंग का प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ट्रेल्स करता हूँ। सो मैं काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट गया नहीं हूँ, मैं बाइक पर बैठा नहीं हूँ। तो आई थॉट कि अभी इंटरनल ट्रिप बहुत करीब आ गया है, सो लेट्स गो एंड डू सम प्रैक्टिस। और इसके बाद अपना सर्विसिंग भी ड्यू है, सो एक बार फुल धमाल मस्ती करके आ जाएंगे बाइक के ऊपर, तो फिर आगे सर्विसिंग कराते हैं। सो देन विल गो एंड यू नो रॉक एंड रोल ऑन द बाइक। सो आई सी यू गाइज ऑन द रोड नाउ। लग 10 से 15 दिन के बाद मैं राइडिंग गियर पहनूं, कितना अजीब लग रहा है यार लगेज। ओ मैन, और मैं काफ़ी मोटा हो गया हूँ यार लग। हमें दिस इज़ नॉट गुड। एक टाइम था जब तू सुबह शाम दिन रात सिर्फ बाइकिंग कर रहा था। जब से जी एस ट्रॉफी में वो सब हुआ है उसके बाद से तूने राइडिंग बिल्कुल छोड़ ही दिया लगता है। सो चलो अभी वही उसी को ठीक करने जा रहे हैं। इसको क्या हो जाता है यहाँ पे, लाइक मैंने बोला था ना लास्ट टाइम भी, कोई तो पंगे लेता है मेरे मिरर्स के साथ। इट्स फील सो गुड यार, लाइक इतने टाइम के बाद बाइक पे बैठ रहे, मज़ा आ गया। ये जो बज रहा है ना, इसका चेक करना पड़ेगा क्यों बज रहा है ये। आज ये सस्पेंशन जब से मैंने नया चेंज किया ना, तब से मैंने सेटिंग प्रॉपरली किया नहीं है। अभी अपने को वही जाके सब चेक करना है, सस्पेंशन टेस्ट करना है क्या नहीं। सस्पेंशन का ओवरऑल फील जो था वो कमाल था, जो कि मैंने चेक किया था अपना इस रन ऑफ कच राइड के ऊपर। आई वाज सो इम्प्रेस्ड यार। सो एक बार सब चेक करते हैं, गाड़ी में सब ठीक है। 307 का फ्यूल रेंज दिखा रहा है, बैटरी ठीक है, टायर प्रेशर तक आया नहीं है। आई थिंक थोड़ा और चलेगी तो उसके बाद टायर प्रेशर दिखेगा। ये लोग ऐसे आते हैं ना एकदम से कट मार के, बहुत डेंजरस है। अगर तो ये है जंपिंग जपाक, मस्त मज़ा आता है ऐसे। रॉन्ग टाइमिंग चूज़ कर लिया मैंने, क्या गंदा ट्रैफिक मिला है यार, हालत ख़राब हो गई। चलो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं। लग गई यार, बुरी वाली लग गई। क्यों करता है मैं तो ऐसे टाइमिंग चूज़, सुबह सुबह निकल जाता है। इतना आलकस तेरे को क्या आ रहा है, ये आलकस ही तेरे को मारेगा मैं बोल रहा हूँ, इतना आलसी हो गया ना। सो फाइनली जाके अभी खुला रोड मिला है, क्या शांति पड़ी है। तो टाइम हो गया 5:30, मैं निकला था 4 बजे, 3:30 आई गेस, 3:45 के आसपास। बहुत टाइम लगा, लाइक पनवेल से बाहर आते आते 1.5 घंटा लग गया अपने को, जबकि आधे घंटे का काम भी नहीं है यार। बट बॉम्बे ट्रैफिक, इफ यू आर इन अ रॉन्ग टाइमिंग ना, इट्स फक्ड यू बैडली। बेस्ट टाइम वही है कि तो सुबह सुबह निकल जाओ बॉम्बे से, 7 बजे से पहले पहले निकल जाओ, सो यू विल बी गुड। उसके बाद तो भाई ट्रैफिक में लग जाती है। जो टाइमिंग मैंने चूज़ की थी वो तो क्या ही बोले, बट अभी सब वर्थ है। इस ओपन रोड्स चलो मैं इन रोड्स के मजे लेता हूँ अभी। जमाना हो गया यार, सीरियसली इट्स गुड। तो आज क्या है, अपने कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं फ्लो ट्रैक, जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा जंप्स है, मोटोक्रॉस है, डर्ट ट्रैक है। देखते हैं कि राव कैसे चला पाता। राव का स्ट्रेस मत ले, राव मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जहाँ से वो बाइक जाएगी वहाँ से ये बाइक भी जाएगी। तो जहाँ जहाँ वो तो घुसाएगा मैं ये घुसाएगा, टेंशन नहीं है। लेट्स डू मस्ती यार, बहुत टाइम हो गया, लाइक काफी टाइम से हमने कुछ किया नहीं है। और ये वाला जो ट्रैक है ना, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये है पानी के साइड में, साइड प्रॉपर्टी, जहाँ पे यू विल गेट अ नाइस व्यू फील। ज्यादा फास्ट नहीं जाना है तो डायरेक्टली पानी में चले। ओह मैं देखा नहीं, लेट्स गो यार, चलो लेट्स गो। सो चलो काफी टाइम के बाद मस्ती करने के मूड में हूँ, अभी जमाना हो गया है। कितना मजा आ रहा है ना, एक लंबे टाइम के बाद ऑफ रोड कर रहा हूँ मैं।
दिस इज व्हाट आई एम मिसिंग ऑन लाइफ यार, लाइक कुछ जब से नए सस्पेंशन डाले हैं सही से देखा है तो मैंने इसका सस्पेंशन, अच्छा तो ये नया बनाया है, हम लोग वहाँ जाते थे राइट में, अब इसने कुछ नया खोज के निकाला है, ये चलेगा मज़ा आएगा। तो इंटरेस्टिंग, हाँ सो ये कहते हैं नया कहाँ तक है, ओके अच्छा अमेजिंग, सनी का यही खासियत है वो ऐसे ऐसे ट्रेल ढूंढ ढूंढ के निकालता है ना कि मजा आ जाता है। ओ ट्रिकी, आई एम थिंक ट्रिकी, अगर मेरे आगे बाइक नहीं होती तो किसी मालूम नहीं पता कि हिल क्लाइंब हो रहा है। सी यार दिस ऑफ़रोड सेक्शन जो निकालता है ढूंढ ढूंढ के मज़ा आ जाता है। गाइस अगर आप लोग आसपास रहते बॉम्बे के सो यू गाइस शुड मस्ट यू नो गो ऑन ट्रेल विद सनी, को कांटेक्ट करो, ही विल टेक यू ऑन ट्रेल्स, लाइक ऐसे ऐसे ट्रेल पे लेके जाएगा जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। हाँ लेके मैं थोड़ा तब तक सस्पेंशन ठीक करता हूँ उसके। सस्पेंशन का सेटिंग कर रहा हूँ, ये क्या है ऑफ रोडिंग के हिसाब से ना करना पड़ता है। इसका रखा था, वो रखा था रोड के हिसाब से, अभी ऑफ रोड कर रहे हैं सो इसको हाई स्पीड लो स्पीड को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ता है। यहाँ पे ना पत्थर है तो दिखते नहीं है सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट ये इंक्लाइन डिक्लाइन बहुत मस्त है। हमें जाना है उस चोटी के ऊपर, कहाँ से जाएंगे वो ट्रिकी सवाल है। कहाँ से रास्ता, अच्छा ऊपर वहाँ से जाना है, ओके ठीक है। ये नहीं जाएगा क्या ऊपर जो सामने दिख रहा है, हाँ 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 ठीक है तो चल तेरे पीछे हूँ मैं। कौन से पत्थर बोल रहा है वो, अच्छा ये तो निकल जाएगा। उधर भी तार है, चलो ओहो क्या सेव था अमिताव, इट्स कॉल्ड कमिटमेंट। पैनिक हुआ तो लग जाती थी।
ये बंदा पागल लगता है। यहाँ से आने वाले ना? हाँ मैं आगे जाके रुकता हूँ, ये जब बाइक जाएंगे ना तब तुम लोग आना, अभी यू आर स्लाइडिंग ना वो कर देते निकल जाना। ठीक है, यू वीडियो लेगा फोटो लेगा? फोटो लेगा वीडियो लेगा? वीडियो वीडियो ना फोटो भी जाएगा? नहीं वीडियो चाहिए मेरे को, मुझे रील बनाने का। हाँ रील रील हाँ भाई, अच्छा फील हो रहा काफ़ी दिन के बाद, भले थोड़ा सा ऑफरोडिंग किया लेकिन किया, फील गुड। टर्न अच्छा लिया, इम्प्रूवमेंट हुआ वो ना सॉलिड। चल कुछ नया लग रहा है ये भाई, ये नहीं नहीं नया है बट आई एम श्योर जाता वही होगा। चलो अच्छा ये मैंने कर लिया है इंटरनल ट्रिप से पहले, चलिए ऐड ऑन यार। आप जो भी प्रैक्टिस करते हो ना वो आपकी स्किल्स में ऐड ऑन होती रहती है। आवारा हूँ क्या है ये, ओह आगे झाड़ गिरा हुआ है, एक शॉट में नहीं आया। हाँ लेना मजा आएगा। क्या तू जंप लेने वाले रहा? जंप तो हो गया, मुझे उसके ऊपर से चलाना है। अच्छा फट गई थी। एक वक्त लगा कि मेरे अंदर ही आ रहा है। हाँ क्या बोल रहा, नए ट्रेल पे जाएंगे? चल मजा आएगा सीरियस, काफी दिन से मैं बोल रहा हूँ घर बैठे पक रहा था, मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। तूने पेड़ देखा कितना पेड़ भर आ गया, सब फालतू की चल रहा है मेरी लाइफ में। वर्कआउट बंद नहीं, लाइक वर्कआउट तो बंद है ही है, उसके बाद क्या हुआ ना जी एस टॉफी मेरा हुआ नहीं ना, तो वहाँ से इतना डिमोटिव हो गया ना वो, बाइक देखने का मन नहीं किया मेरा, तो तब से ना लाइक ऐसा तो नहीं मैं उल्टा कर रहा हूँ बिकॉज वो खड़ा होकर देख रहा है। लगाए थे मेरे को कुछ तो कांड होने वाला है, अभी इसको ना ये पूरा पीछे जाएगा उसके बाद ही उठेगा, बट ट्राई करता हूँ उठाने का। हाँ उठ तो गया, बट ये क्या क्रॉस हो पाएगा यहाँ से ऊपर, आई डोंट थिंक सो।
लो चल। हाँ ये कुछ अजीब चीज़ का फंस गया है। हाँ मुझे लगा था तू देख रहा था, मैं लगा कि ये उल्टा है शायद मैं इसलिए मैं यहाँ से ऊपर आ रहा था। पत्थरों में घुस गया। हाँ लेना हल्का था कमर या पीछे खींच ले। आएगा सीधा कर एक गिराऊं क्या? नहीं नहीं अभी ठीक है, गिरा दिया तो निकल जाएगा। नहीं नहीं फिर चल अभी उठेगा। फक लग रहा बेंच में राइडिंग भूल गया क्या? हाँ क्या लगता है कुछ है नहीं ना? ओहो हाँ चल फिर तू चल। कहाँ से क्या है इतने मुझे मटेरियल डालनी पड़ेगी फ्लैट करने के लिए? ओहो हाँ चलेगा। अच्छा इस पर तो मोमेंटम रखना पड़ेगा। खोद दिया, खोदने के बाद इसको फ्लैटन नहीं किया। लग गए ये रट्स जो है ना दिमाग खराब कर रहे हैं सीरियसली। बाय बोलने का दिस ब्यूटीफुल लोकेशन यार, बहुत मज़ा आया। एंड अभी लेट्स गेट बैक होम। कल बेला का सर्विसिंग कराना है और अपने को टायर भी चेंज करना है। चलो बाय।